गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टॉपिक है बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है? तो कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई पुत्र? एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक यूज्ड हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद कैथोड एंड एनोड। विलियम क्रूक ने क्या किया बेटा, एक जैसे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, एक हार्ड ग्लास ट्यूब यूज़ की जिसमें कि एक सिरे पे कैथोड लगाया हुआ था और दूसरे सिरे पे क्या लगाया हुआ था, एनोड, ठीक है। व्हेन प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज रिड्यूस्ड टू 0.01 मिलीमीटर, जब ट्यूब के अंदर का प्रेशर 0.01 मिलीमीटर तक रिड्यूस किया गया, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट वॉज अप्लाइड, और पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट अप्लाई किया गया, ही फाउंड दैट एनोड एंड बिगिन्स टू ग्लो विद ग्रीन कलर। उसने क्या देखा कि जो एनोड था वो ग्रीन कलर की लाइट के साथ चमकना शुरू हो गया। इट इज़ बिकॉज सम रेज आर कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड स्ट्राइक अगेंस्ट एनोड, ही नेम्ड देम एज कैथोड रेज। ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ रेज एनोड में से आ रही थी और कैथोड पे टकरा रही थी, जिसके कारण कैथोड चमकने लग गया। तो क्योंकि रेज एनोड में से आ मैंने गलत बोल दिया कि ही फाउंड दैट एनोड एंड बिगिन्स टू ग्लो विद ग्रीन कलर। एनोड जो है वो ग्रीन कलर की लाइट से चमकना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ रेज कैथोड में से आ रही थी और एनोड पे टकरा रही थी, जिसके कारण एनोड चमकने लग गया। अब क्योंकि रेज कैथोड में से आ रही थी तो उसने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज। तो इस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है बेटा। क्या मैंने बोला कि विलियम क्रूक एक साइंटिस्ट था, उसने एक हार्ड ग्लास ट्यूब यूज़ की, उस हार्ड ग्लास ट्यूब के एक सिरे पे कैथोड फिट किया, दूसरे सिरे पे एनोड फिट किया, जब ट्यूब के अंदर का प्रेशर 0.01 मिलीमीटर तक रिड्यूस किया गया और 10,000 पोटेंशियल वोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया गया, तो उसने देखा कि जो एनोड है वो ग्रीन कलर की लाइट के साथ चमकना शुरू हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैथोड में से कुछ रेज निकल रही थी और एनोड पे टकरा रही थी, उसने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज। तो अब इस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रेज की जब हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो पहली प्रॉपर्टी थी दे कास्ट शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ सो दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैथोड रेज थी, अगर उनके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख देते थे तो उसकी वो परछाई बना देती थी, उनकी शेडो बना रही थी। इसका मतलब कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि शेडो वही बनाता है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, तभी शेडो बनेगी अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता होगा। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं होता होगा तो शेडो नहीं बनेगी। सेकंड, दे कैन रोटेट लाइट फ्लाई व्हील सो दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैथोड रे के सामने अगर कोई लाइट फ्लाई व्हील रख दो तो कैथोड रे जैसे ही उस व्हील पे टकराएगी, व्हील घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कैथोड रे में पार्टिकल होंगे, क्योंकि पार्टिकल जब व्हील पे टकराते हैं तो व्हील घूमना शुरू करता है। तो इसका मतलब कैथोड रे किसकी बनी हुई है बेटा, पार्टिकल्स की। तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चला कि कैथोड रे बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड दे बेंड टूवर्ड पॉजिटिव फील्ड सो दे आर नेगेटिवली चार्ज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ झुक गई। तो बेटा अगर वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ झुकी है, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को। तो अगर वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। और हमें पता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं पुत्र, इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये शेडो बना देती हैं ऑब्जेक्ट की, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये लाइट फ्लाई व्हील को रोटेट कर देती हैं, इसके लिए ये पार्टिकल्स की बनी हुई हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ झुक जाती हैं, इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ये मैग्नेटिक फील्ड को भी डिफ्लेक्ट कर देती हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर में रखी जाएंगी तो उसको भी डिफ्लेक्ट कर देंगी। तो फिर बेटा फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट
ऊपर वाली डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, कि जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं. मीन्स कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन सेम ही चीज़ है. तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन हुई. थैंक यू.